हेलो मित्रों, जय माता दे। मित्रों, आज 30 मई शनिवार का दिन है। ऐसे में मिथुन राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन, आपको बताएंगे आपके व्यापार करियर उनसे जुड़े बहुत सारे ऐसे पहलुओं के बारे में जो कि आपके आने वाले दिनों को बेहतर बनाने में काफी लाभकारी साबित होंगे। मित्रों, आपको बताएंगे आज के दिन आप कौन से व्यापार कार्य क्षेत्र करें और कौन सी वे उपलब्धियां हैं जो कि आपके समाज में आपको अपनी एक अलग से भी अलग पहचान बनाने के मौके दे सकेंगे। आपको बताएंगे आज के दिन आपका लकी कलर लकी नंबर कौन सा रहने वाला है और किस प्रकार से आप अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। उससे पहले आज के बारे में दैनिक पंचांग के बारे में जान लेते हैं। तो आज आपको बता दें कि जेठ मास के शुक्ल पक्ष के अष्टमी तिथि है। आज के दिन नक्षत्र रहेगा मघा और इसके बाद जो है उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र रहने वाला है। आपको बता दें अभिजीत मुहूर्त यानी शुभ मुहूर्त जो है वे 11:57 से 12:51 तक रहने वाला है। इस मुहूर्त में आप किसी भी कार्य को कर सकते हैं। वहीं बात करें राहुल काल के यानी अशुभ समय के, तो आज 9:53 से 11:14 पर यह अशुभ समय रहने वाला है। मित्रों, दर्शकों, आपको बता दें कि अशुभ समय में किसी भी शुभ कार्य को न करें, अन्यथा उसमें विघ्न या बाधा उत्पन्न हो सकती है। ऐसे में आप इनका विशेष ध्यान अवश्य रखें। तो मित्रों, मिथुन राशि वाले जातकों को बताएंगे सारी जानकारी व्यापार व्यवसाय करियर लव लाइफ और आपके स्वास्थ्य के बारे में आज का दिनचर्या। आज आपके ग्रह नक्षत्र आपके जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में कौन कौन से प्रभाव डालने वाले हैं आपको बताएंगे सारी जानकारी विस्तार से। वीडियो को आखिर तक देखिएगा। उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि रोजाना राशिफल आपको समय से मिल सके और आप आने वाले दिनों को बेहतर बना सकें। तो मित्रों, मिथुन राशि वाले जातकों को बताना चाहेंगे कि आज के दिन चंद्रमा का संचार दिन भर वृषभ राशि में होने वाला है और रात में आपके ही राशि यानी मिथुन में प्रवेश होंगे। ऐसे में मिथुन राशि वाले जातकों को आज के दिन धन लाभ की प्राप्ति होंगे, धन निवेश के योग बन रहे हैं और अगर आप धन निवेश करते हैं तो आपको लाभ होंगे। परिवार के सदस्यों से मेलजोल बनाने से लाभकारी योजनाओं को बनाने के बेहतरीन मौके मिल सकते हैं। उन्नति के अनेक अवसर मिलेंगे। मन प्रतिष्ठा में आपकी वृद्धि होंगे। आप अपने कार्यों में रुचि ले सकोगे। व्यापार व्यवसाय कार्य क्षेत्र में आ रही अड़चनों को दूर कर सकोगे। सफलता एवं नई योजनाओं से आपका दिन भरा रहेंगे। सुख साधनों बढ़ेंगे। अचानक से धन लाभ के योग हैं। आज कोई नया कार्य कर सकते हैं या कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करना आपके लिए लाभदायक रहेंगे। अच्छे मौके बार बार आपके दस्तक आ रहे हैं, आपके दरवाजे पर आ रहे हैं। आप इन अवसरों का अवश्य ही लाभ उठाएं। दोस्तों और संबंधियों के सहयोग से आपको लाभ मिलेंगे। स्वास्थ्य का ध्यान रखना आपके लिए अच्छे होंगे। आज आपको स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सी चिंता बनी रहेंगे जिनके कारण आप थोड़े परेशान हो सकते हैं। मित्रों, मिथुन राशि वाले जातकों को बताना चाहेंगे कि आज के दिन अगर आप नौकरी पेशा वाले हैं तो आपको उच्चाधिकारियों का सहयोग मिलेंगे जिनसे आपका उत्साह बढ़ा रहेंगे। पुरानी समस्याओं का अंत होंगे। प्रयास अथवा स्वयं कोशिश करने से प्रत्येक कार्य में सफलता को प्राप्त करेंगे। आज लेन देन के कार्यों में सावधानी बरतें, नकदी लेन देन न करें, अन्यथा आपको किसी प्रकार के भय का चिंता हो सकता है। आज के दिन आप अगर व्यापारी वर्ग के जातक हैं, व्यापारी हैं, कारोबारी हैं, व्यवसायी हैं, तो आज के दिन किसी को भी उधार ना दें क्योंकि आज दिए गए धन वापस आने की संभावनाएं कम दिख रही हैं। ऐसे में मिथुन राशि वाले जातकों को बताना चाहेंगे कि आज के दिन आप उधार ना दें। आज आप अपना काम साहस और उत्साह पूर्वक कर सकोगे। शत्रुओं पर विजय की प्राप्ति होंगे। आपके शत्रु परास्त होंगे। आपके साथ ज्यादा से ज्यादा काम करने के आपके दोस्ती बढ़ाने की कोशिश कर सकते हैं। मित्रों, मिथुन राशि वाले जातकों को अचानक से आज कोई शुभ सूचना की प्राप्ति हो सकती है जिनसे आपका मन प्रसन्न रहेंगे। अधिकारियों से सहयोग मिलेगा। ननिहाल पक्ष से आपको खुशखबरी मिल सकती है। आज अत्यधिक खर्च से बचें। आप अनावश्यक खर्च न करें। बेफिजूल के खर्चों पर लगाम लगाना आपके लिए आवश्यक होंगे। कार्यों में बाधाएं आने की संभावनाएं कम दिख रही हैं। व्यर्थ की यात्रा भी करनी पड़ सकती है। सोच समझ कर ही कार्य व्यवहार करें। क्रोध पर नियंत्रण रखें, अन्यथा वाद विवाद बढ़ सकता है। मित्रों, मिथुन राशि वाले जातकों को बताना चाहेंगे कि आज आपके मन में बेचैनी बढ़ सकती है। आज के दिन जो लोग अविवाहित हैं उनके विवाह में अभी और देरी हो सकती है। उनके विवाह प्रस्ताव आने में अभी उनका समय लग सकता है और प्रस्ताव आ भी जाए, कहीं से विवाह के संबंध आपके लिए आ भी जाए तो अभी होना मुश्किल लग रहा है। मिथुन राशि वाले जातकों को बताना चाहेंगे कि आज के दिन यात्राएं करना
यात्रा करना आपके लिए लाभकारी रहेंगे। यात्राओं से आपको सुख की अनुभूति होंगे। आपके व्यापार व्यवसाय कार्य क्षेत्र में नई जिम्मेदारियों की प्राप्ति आप आसानी से कर सकते हैं। आज के दिन मन में अलग से बेचैनी उत्पन्न होंगे। स्वास्थ्य के प्रति आपको ध्यान सावधान रखने की जरूरत रहेंगे। आज आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। किसी भी कार्य को करते समय आप अपने परिवार वालों का सहयोग अवश्य लें। आज के दिन आप सुनी सुनाई बातों पर विश्वास न करें, न ही किसी कार्य को अमल करें, क्योंकि सुनी सुनाई बातें हमेशा षड्यंत्र का शिकार होते हैं। ऐसे में मिथुन राशि वाले जातकों के पारिवारिक क्लेश बढ़ सकते हैं और माता पिता या अपने जीवन साथी के साथ आपके अनबन हो सकते हैं। ऐसे में सुनी सुनाई बातों पर किसी का भी यकीन न करें। आप खुद पर कॉन्फिडेंट बनाए रखने की कोशिश करें। बातचीत से मामलों को सुलझाने की अवश्य कोशिश करें। आज के दिन वाहन सावधानी पूर्वक चलाएं। आज किसी भी प्रकार के जोखिम लेने से आपको बचने होंगे। बिना सोच विचार के आज कोई कार्य न करें। कार्य क्षेत्र में उलझन की स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं। ऐसे में आप थोड़ा धैर्य बनाए रखें। किसी भी प्रकार के कोई भी कार्य करने से पहले परिजनों के साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार बनाए रखने की कोशिश करें। आज के दिन मित्रों आप किसी नए सामान की खरीदारी कर सकते हैं, जैसे एसी, फ्रिज, कूलर या फिर किसी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक के सामान आज ले सकते हैं। मित्रों मिथुन राशि वाले जातकों को बताना चाहेंगे कि आज के दिन आप अपनी सुरक्षा आग और पानी से करने की कोशिश करें। आग और पानी से बच रहे हैं, अन्यथा आप किसी बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हैं। इलेक्ट्रिक वायर से भी आपको बचे रहने की जरूरत रहेंगे। जो लोग इलेक्ट्रॉनिक यानी इलेक्ट्रिशियन हैं, उन्हें आज के दिन सावधानी से काम करने की आवश्यकता रहेंगे। मित्रों मिथुन राशि वाले जातकों को बताना चाहेंगे कि आज के दिन आपको विशेष लाभ मिलेंगे। कार्यों की पूर्णता होंगे। जोखिम भरे निवेश से आपको लाभ होंगे। आपका मन काफी प्रसन्न रहेंगे। प्रिय व्यक्तियों से मुलाकात होने के योग हैं। आज के दिन आप किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से मिल सकोगे। लव लाइफ की बात करें तो आज के दिन प्रेम संबंधों में आपकी मधुरता बढ़ेंगे। आपके प्रेम संबंध काफी अच्छे होंगे। लव लाइफ में जो लोग काफी लंबे समय से एक रिलेशनशिप में थे, वे आज के दिन किसी कारणवश उनके रिलेशनशिप में दरार उत्पन्न हो सकते हैं। वहीं जो लोग सिंगल थे, उनके जीवन में आज कोई नया जीवन साथी दस्तक दे सकता है, जो आपके और आपके परिवार दोनों के लिए काफी अच्छे रहेंगे। वहीं जो लोग काफी लंबे समय से लव रिलेशनशिप में हैं, वे अगर आज शादी की बात करें तो आज उनकी बात बन सकती हैं। आप शादी के बंधन में बन सकते हैं। आज के दिन मित्रों मिथुन राशि वाले जातकों के लिए उन्नतिदायक रहेंगे। नौकरी पेशा वाले जातकों की बात करें तो आज के दिन नौकरी पेशा वाले जातकों को कार्य क्षेत्र में नए कार्य को करने के मौके मिल सकते हैं। अगर आप अपने व्यापार व्यवसाय या नौकरी के क्षेत्र में किसी भी प्रकार के किसी को पीछा छोड़ना चाहते हैं या फिर आप आगे निकलना चाहते हैं, पद में प्रमोशन पाना चाहते हैं, तो आज के दिन आपको नए कार्यों की जिम्मेदारी जो मिलेंगे उनको सटीक तरीके से पूरा करने के अवश्य कोशिश करें। आज के दिन आप बेफजूल के वाद विवाद में ना पड़ें। आप अपने कार्यों को ध्यानपूर्वक करने की अवश्य कोशिश करें। बात करें विद्यार्थियों के, तो विद्यार्थियों के लिए आज का दिन काफी खास रहेंगे। विद्यार्थी वर्ग के लोगों को पढ़ाई में मन लगेगा और वहीं कुछ ऐसे भी विद्यार्थी हैं जो कि अगर किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो उनका आज ध्यान कहीं और लग सकता है और किसी अन्य कामों को करने में उनका ध्यान दे सकता है। वे अपने घर परिवार की चिंता में लग्न रह सकते हैं। उनको लग सकता है कि कोई उनके जीवन में दखल दे रहा है। आज के दिन विद्यार्थियों के जीवन में भी कोई अलग सा प्रेरणी उनके जीवन में दस्तक दे सकता है और आपको कॉलेज या इंस्टीट्यूट में कोई लड़की या लड़का पसंद आ सकता है। मिथुन राशि वाले जातकों को बताना चाहेंगे कि आज के दिन आप धार्मिक प्रवृत्ति के होंगे। आज आपको बताना चाहेंगे कि समाज में आपके कामकाजों की प्रशंसा होंगे, जिनके कारण समाज में आपका मान सम्मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होंगे। आपके कामकाज को सहारा जाएगा, आपके व्यक्तित्व को उभारा जाएगा। आज के दिन आपके विरोधी परास्त होंगे। यात्राएं लाभकारी होंगे, मंगलमय दिन रहेंगे। आज आपका सोचा हुआ कार्य पूरा होगा। शाम को समय आनंदमय बिताने के मौके मिल सकते हैं। शाम के समय में आप काफी परिपूर्ण रहेंगे, दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ, परिवारजनों के साथ या फिर आप अपने आस पड़ोस के लोगों के साथ गपशप कर सकते हैं, उनके साथ अपने दिनचर्या को व्यतीत कर सकते हैं, उनके साथ आप
उन सभी बातों को, राजनीतिक मुद्दों को उठाकर वार्तालाप करने में अपना समय भी जाया कर सकते हैं। मिथुन राशि वाले जातकों को बताना चाहेंगे कि आज सोच समझ कर कार्य व्यवहार करना आपके लिए लाभदायक रहेंगे, कार्य सिद्धि का नाम होंगे। आज के दिन आपके मन और आपका प्रसन्न दोनों रह सकता है। मानसिक भार आपका हल्का होगा। दाम्पत्य जीवन में आपको सुख की अनुभूति होंगे। पूरे दिन कार्य की व्यवस्था बनी रहेंगे। मान सम्मान के साथ साथ आपके यश में वृद्धि होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको अपने कार्यों में रुचि लेने के मन बनेंगे। सफलता एवं नई योजना भरा आपका दिन रहेंगे। सुख साधनों में वृद्धि होंगे। ग्रह नक्षत्र आपके संघर्षों के बाद आपको सफलता दिलाने में आपकी सहायता कर सकते हैं। आज कई नए ऑर्डर आ सकते हैं, नया अनुबंध मिल सकता है। आपके शत्रु बलहीन होंगे, आपका वर्चस्व बना रहेंगे और आपका दिन भी उन्नति कारक रहेंगे। आर्थिक लाभ के साथ साथ पदोन्नति भी आपको प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है, जिनके कारण आप स्वतंत्र रहेंगे। आपका दिन बेहतर बने इसके लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखें। आपका दिन शुभ मंगलकारी हो। जय मां बिंदुवासिनी।